अब खबर है कराची से। नाजिम जोखियो कत्ल केस में मुलव्वस जाम अब्दुल करीम पाकिस्तान पहुंच गए हैं। जाम अब्दुल करीम को FIA हुकाम ने SSP मलीर के हवाले किया। रुकनी कौमी असम्बली हिफाजती जमानत पर हैं, गिरफ्तार नहीं किया गया। SSP मलीर ने यह कन्फर्म किया है। तफसीला जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शाहमीर हमारे साथ मौजूद हैं। शाहमीर बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली है नाजिम जो के नाजिम जोखियो कत्ल केस में मुलव्वस भी थे। जाम अब्दुल करीम जो के अब तो कुछ ही देर कबल निजी एयरलाइन के जरिए दुबई से कराची पहुंचे हैं। यहाँ पे इनका इस्तकबाल पीपल्स पार्टी के जो वजीर हैं इम्तियाज शेख, रहनुमा सुहेल अहमद सयाल और शब्बीर बजरानी ने किया। जबकि इस मौके पर जो FIA हुकाम है उन्होंने नाजिम जोखियो को SSP मलीर इरफान बहादुर के हवाले किया। तमाम इरफान बहादुर सख्त सिक्योरिटी के सहारे में जाम अब्दुल करीम को यहाँ से लेके जो है वो रवाना हो गए हैं। पहले ये बात सामने आई थी कि इनको जो है यहाँ से हिरासत में लिया गया, लेकिन SSP मलीर का कहना है कि जाम अब्दुल करीम को हिरासत में नहीं लिया गया। 3 अप्रैल तक जो है ना जो जाम अब्दुल करीम है वो अदालत से प्रोटेक्शन बिल पर है, जिसके बायस उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। तमाम अभी यहाँ से सिक्योरिटी हिसार में जो इनको लेके यहाँ से रवाना कर दिया गया है। शामिर शुक्रिया आपका।